खबरों की ओर। बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर हमला जारी है। अंतरिम जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं है, कानूनी प्रक्रिया को सिर्फ निभाया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अंतरिम जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं है, कानून प्रक्रिया को सिर्फ निभाया गया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर जो हमला है वो देखने को मिला है, क्योंकि इस बीच लगातार राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही। एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे, उसके बाद कल उनको जमानत मिली, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर सियासी उठापटक काफी तेजी से देखने को मिल रही है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, चाहे आपको इसमें बताते चले कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हो, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया और साफ तौर से यही कहा गया है कि अभी अरविंद केजरीवाल दोष मुक्त सिद्ध नहीं हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि उन पर जो आरोप लगे थे, उन पर जांच चल रही, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई हो सकती है, तभी उनको पूरी तरह से जमानत नहीं दी गई, अंतरिम जमानत उनको मिली है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है और 1 जून तक के लिए यह अंतरिम जमानत मिली है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरह से देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासी उठापटक जोरों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं और इस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जिसके बाद वो कल जेल से बाहर आ गए हैं और उनके परिवार की तरफ से काफी जोर शोर से स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि कार्यकर्ता समर्थक भी आम आदमी पार्टी के मौजूद रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। अब प्रणय, जिस तरह से देखे कि अब यहां पर लगातार आम आदमी पार्टी का भी घेराव बीजेपी करती हुई नजर आ रही, क्योंकि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल बाहर आए, उसके बाद आम आदमी पार्टी का ये कह रहा है कि एक बार फिर से जीत हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी साफ तौर से ये कह रही है कि अभी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल दोष मुक्त नहीं हुए हैं, वो चुनावी प्रक्रिया के लिए बाहर आए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जया, बीजेपी का साफ ये कहना है कि जिस तरह की तस्वीर को पेश करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है और जनता इसे समझती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कल इस बात को दोहराया था और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जमानत मिलना ये साबित नहीं करता कि अरविंद केजरीवाल दोष मुक्त हो गए हैं, उन पर आरोप अभी भी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको जमानत भी मिलती है, आप पैरोल पर भी छूटे जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जिस मामले में आपको गिरफ्तार किया गया है, उससे आप पूरी तरीके से बरी हो गए हैं, उससे आप दोष मुक्त हो गए हैं। बीजेपी का साफ ये कहना है कि जनता ये बात बहुत अच्छी तरह समझती है कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका रही है वो पूरी तरीके से संदेह में है और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बीजेपी ने कहा है कि क्योंकि कोर्ट जानता है कि देश में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जमानत दी गई है, इसका कहीं से भी ये मानना नहीं होगा कि जो आरोप, जो शराब घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगाए थे उससे वो बरी हो गए हैं।